हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। आज भिवंडी शहर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भिवंडी शहर का कुल आंकड़ा पहुंचा है 44 पर। ग्रामीण में भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ग्रामीण का कुल आंकड़ा पहुंचा है 54 पर। भिवंडी तालुका की कुल तादाद पहुंची 98 पर। 38 लोग अब तक हो चुके हैं रिकवर और एक की मौत हुई है। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने टोरेंट पावर के बिल माफी पर किया बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र सरकार ने बिल पास किया है कि लॉकडाउन के दौरान का बिल सिर्फ 10% भरना होगा। रईस शेख ने कहा है कि हम पूरे बिल माफ कराने के लिए जोर देंगे। कल्याण में आज कोरोना के 38 नए मामले सामने आए, जिसमें 11 महीने का छोटा बच्चा और 7 साल की छोटी बच्ची है, जिसे KDMC का कुल आंकड़ा पहुंचा है 568 पर। 12 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और 214 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। उल्लासनगर में आज कोरोना पॉजिटिव के 10 नए मामले सामने आए, जिसमें एक पुलिसकर्मी और साथ ही उनकी प्रेग्नेंट वाइफ भी है। उल्लासनगर का कुल आंकड़ा पहुंचा 137 पर। 33 लोग अब तक हो चुके हैं रिकवर। आज बांद्रा टर्मिनस से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन जाने वाली थी, जिसकी खबर सुनते ही हजारों की तादाद में लोग बांद्रा स्टेशन पर जमा होने लगे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ लिस्ट में आए हुए नाम के लोगों को ही स्टेशन के भीतर जाने दिया। ट्रेन 1700 प्रवासियों को लेकर 12 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना हुई। पालघर साधु लिंचिंग केस में 2 और अपराधियों को घने जंगल से CID ने धर दबोचा। साधु लिंचिंग केस में अब तक 136 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि वारदात की रात 400 से 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, जिसमें अब तक 136 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई पुलिस ने BMC से 12 एम्बुलेंस की मांग की, हर जोन के लिए एक। मुंबई में हर रोज 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी हो रहे कोरोना पॉजिटिव। अब तक मुंबई के अंदर 700 जवान हो चुके कोरोना के शिकार, 8 लोगों की हो चुकी है मृत्यु। गांव की सड़क को मनरेगा स्कीम में बनाने के लिए 2 गुटों पर हुई झड़प। ऑन कैमरा समाजवादी पार्टी के ग्राम प्रधान और उनके बेटे की गोली मारकर कर दी हत्या। यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट की है वारदात। मृतक का नाम छोटे लाल दिवाकर और बेटे का नाम सुनील था। इंडिया में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। आज 4,970 नए मामले सामने आने के बाद इंडिया का कुल आंकड़ा पहुंचा 101,139। 29,174 लोग अब तक हो चुके हैं रिकवर और 3,163 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई। वही महाराष्ट्र में भी आज 205 नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र का कुल आंकड़ा पहुंचा 35,038 पर। 8,437 लोग अब तक हो चुके हैं रिकवर। 1,249 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई। सेंसेक्स आज 167 अंकों की बढ़त के साथ 30,196 हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी मात्र 55 अंकों की बढ़त के साथ 8,879 पे हुआ बंद। गोल्ड 47,051 पे ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल एक नई टॉप 10 के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।